वहां से मैंने ड्रामा लिखना सीखा। तो ये एक एकेडमी थी उस वक्त उस क्वेटा की, और आज जो क्वेटा है मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद यहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क होगी और उसका नाम होगा क्वेटा। उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जी एक्चुअली नेक्स्ट सेशन के लोग सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास भी रीसेंट ब्लॉकबस्टर काबली पुलाव के राइटर बैठे हुए हैं, जनाब जफर मेराज, जो बलूचिस्तान से बहुत गहरी जुड़त रखते हैं। तो मैं जनाब जफर मेराज साहब से क्विकली उनका ओपिनियन लूँगी, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं क्वेटा से दूसरे शहरों में। तो जब वो दूसरे शहरों में जाते हैं तो क्वेटा का जो डाइवर्सिटी है कल्चर्स की, उसको वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या उनको आसानी होती है या बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं? जफर मेराज साहब, ये दोनों पर्चियाँ पहले से मुझे देने इस बीच में मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा पॉइंट्स अपने लिख लूँ ताकि इधर उधर ना जाऊँ। पहली बात तो ये कि इस फ्रीक्वेंट जो ट्रैवल है, इसके अंदर ज़ाहिर है मैं एक वक्त में गया हूँ, आना जाना होता है रोज़गार और लिखने शिखने के सिलसिले में। शुरू करते हैं आज के ही दिन से, शुरू करते हैं आज। मैं जब आ रहा था यूनिवर्सिटी तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे पुलिस वालों ने रोका, और यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते, हालांकि मैं वीआईपी स्टिकर वाली गाड़ी में था, तो मुझे याद आया वो जब मैं 8वीं क्लास में लकी ईरानी सर्कस देखने गया था जब मेरे जेब में पैसे नहीं थे, तो वो जो संतरी खड़े होते थे उन गेटों के पार, तीन मुख्तलिफ गेट थे, और हमने जाना था उस मौत का कुएं के अंदर जो मोटरसाइकिल देखने के लिए। तो मुझे वो वक्त आज याद आ रहा था कि अब भी सर्कस मेले ठेले देखने के लिए संतरियों से गुजरना पड़ता है। इतने पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र नहीं आए जितने पुलिस वाले नज़र आए हैं, सच बात है। तो हम इनसिक्योर हैं या हमें बताया जाता है कि हम इनसिक्योर हैं, या हमें खौफ ज़दा किया जा रहा है कि हर शख्स के लिए पुलिस वाला खड़ा है। मुझे याद आता है, लखपास से शुरू करते हैं, लखपास जो मैं मस्तूम से आते थे, तो लखपास कुछ लोग जानते होंगे, ये हमारा पहाड़ी सिलसिला जो अंदर दाखिल होने का है, तो हम अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू करते थे कि कहीं गाड़ी, उस वक़्त की गाड़ियाँ बेचारी ऑडियोलिक नहीं होती थी, तो कहीं पीछे ही ना निकल जाए। वो गुटके शुटके रखते रखते तरक्की की, हमने एक टनल बना लिया। अब मसला ये कि उस टनल में आने के लिए भी अल्लाह रसूल का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक संतरी खड़ा है। पहले गाड़ी गिरने का डर होता था, अब गाड़ी छिन जाने का डर होता है। इसी क्वेटा में जब पहली बार मुझे दाखिल करने के लिए मेरा चचा लेकर आया था, आप क्वेटा दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि प्याले किसी कुएं में उतर रहे हैं, आप अगर बाय रोड अंदर दाखिल हों। और मेरे चचा ने मुझको उस वक़्त की मतलब बात, वो जो एक कमाल की बात मेरे कान में डालने की कोशिश की, उसने कहा बेटा ये जो अब शाह साहब बता रहे थे लिटिल लंदन, मतलब यहाँ लोग ख़राब होंगे, गुमराह हो जाएंगे। तो उसने कहा बेटा तुम चूंकि हम चंदे मंदे करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम इस कुएं में कहीं गुम नहीं हो जाना। कितने सालों बाद मैं अपने बेटे को दाखिल करवाने के लिए लेकर जब जा रहा था, मैंने कहा बेटा क्वेटा से ख्याल रखना, लापता मत हो जाना। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, जफर मेराज साहब आपका एक और सेशन है, नहीं मैं वहाँ इंतजार हो रहा है, नहीं, नहीं, और जमाल शाह साहब का भी और अदील उल्दा शाह, मैं इंतहाई हाथ जोड़ के माजर चाहता हूँ, वहाँ भी इंतजार हो रहा है। जी जी सर, नहीं वो दो बजे हैं। नहीं सर वो दो बजे नहीं है सर, मैं क्वेटा दो मुझे तीन बातें मैंने उसके वो की हैं। हम अलाव के गिर्द बैठते हैं, कचहरियाँ करते हैं, आज हम
आग लेने के लिए, गैस के लिए जब हम धरना देते हैं तो सड़कों पे कचहरियाँ कर रहे हैं, ये क्वेटा है। वैसे ही जैसे बात की किसी वक्त यहाँ जो सिनेमाओं की, तो ये आखिरी बिल्कुल बात है और ये चूंकि उससे ताल्लुक है, शाह साहब ने बात की कि हम फिल्म देखते थे जो अंग्रेज़ी की फिल्में, तो मैंने कोई किताब शिताब नहीं पढ़ी है सच बताऊं। मेरा ये था कि मेरा टिकट, मेरी टिकट मुफ्त होती थी और मुझे मेरे दोस्त लेकर जाते थे, तो अंग्रेज़ी मुझे भी नहीं आती थी। उस अंग्रेज़ी फिल्म का जो मैं ट्रांसलेट कर रहा होता था ना इन लोगों को कि अब ये बोल रहा है और ये करने जा रहा है, वहाँ से मैंने ड्रामा लिखना सीखा। तो ये एक अकेडमी थी उस वक़्त उस क्वेटा की, और आज जो क्वेटा है मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद यहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क होगी और उसका नाम होगा क्वेटा, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर इसका सोशल फैब्रिक इसी तरह से ख़राब होता रहा, यहाँ जो आर्ट की बात है, ज़बान की बात है, शनाख्त की बात है जब होती रही है, अगर इन सारे चीज़ों पे इसी तरह से इदारों को ख़त्म किया गया तो यहाँ सिर्फ़ एक सड़क होगी और उसका नाम होगा क्वेटा। चलें दूसरे सेशन में। ज़फ़र मेहर साहब, आप वहाँ सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका इंतज़ार हो रहा है। और जमाल शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अदी नूरुद्दीन शाह साहब जी, वो जा रहे हैं, बाकी सेशन चल रहा है जी, यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।